कभी कभी धूप से मुंह बचाते हुए, बॉडी जल रही बट फेस नहीं जलना चाहिए। बैक टू स्कूल। किधर है, किधर है, किधर है, किधर गया? ओह शिट, मिला 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 मिला। आह लावे का तोड़िया। कहाँ पे? कहाँ पे है ये? मिला? नहीं। अलावे का इधर भाव ना, इधर इधर साइड में, इधर साइड, इधर साइड में मारो, इधर में। मार मार। Oh my God! No 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 no! यहाँ पे गिरा था। कहाँ? ना मैं कहाँ? कहाँ है? कहाँ है? नहीं है। अबे यार। और थोड़ा, और थोड़ा इधर इधर लाइन करते साइड। और ये रहा आम। और उधर भी, उधर भी। हाँ उधर तेरे ऊपर, तेरे ऊपर ऊपर देख। मार मार से पहले। मैम आज जल्दी करो, उतरो 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 ना, मैं कहूँ उतरो। ये गॉड 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 गॉड, ये गॉड। आउ ओ मम्मा, चोट लगा यार, सर में चोट लगा। हाँ मेरा आम। आम आम मेरा आम। और ये रहे आम। दिखाओ कहाँ पे? छोड़ दे यहाँ का आम। नहीं मिला हमको, हम ढूंढे। बड़ा था क्या वो? बहुत सारा आम छोड़ी हो तुम पागल। नहीं देखो इतना सारा मैं ले लिया, तो फाइनली हम आम तोड़ के अपने हाउस की तरफ जा रहा हूँ। मैम है नहीं और वो हमारा मैस, बस मैम ना है, बहुत ही रिस्क लेके। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था, मैं मिस कर पाया, और कोई बात नहीं है। तो फाइनली हम जा रहे हैं हॉस्टल, उसमें बहुत सारे आम है। आप टोटल आपको दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? बहुत सारे। रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा। मत तोड़ो, वेस्ट मत करो, अब वेस्ट मत करो। अरे मत तोड़ भाई। हम सब आम ढूंढ रहे, रिसर्च कर रहे हैं। और ये रहे मेरे हाथ इतने सारे आम। हाँ दिखाओ सारे आम, दिखाओ अपने अपने। लाओ लाओ कविता, दिखा दिखा। और ये हमारे आम, दूर रख दूर रख दूर रख। और ये हमारी क्लास की लड़कियाँ, 11th क्लास, 12th क्लास, 12th। मैं कब सुधरेगा? Run. सो हेलो वर्ल्ड, इट्स मी सिया। आई एम बैक विथ माई न्यू यूट्यूब व्लॉग, और ये है मेरी हॉस्टल व्लॉग। आफ्टर कम बैक फ्रॉम स्कूल मैं पढ़ने बैठ गई, बट उससे पहले आपने देखा प्रीवियस वाली वीडियो में कि मैं वहाँ पे आम तोड़ रही थी। ऑब्वियसली जब मैं स्कूल से आई ना और मैंने किताब कॉपी रखा, तो मेरी फ्रेंड्स बोली अरे चलो आम तोड़ते, अभी कोई नहीं है। एक्चुअली IIT के प्रोफेसर आए हुए थे, तो उनके वेलकम के लिए सारे बच्चे गए थे, बट बच्चे तो वापस आ गए थे, बट टीचर्स वहाँ पे गॉसिप्स में लगे थे। तो क्या उस मौके का हम बच्चे फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। तो हमने वहाँ पे केरिया तोड़ी, बहुत मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत सारा मिस कर दिया बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रही थी। देख रहा हूँ कितने कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ मैं। हाँ एनीवेज, मैं कभी घमंड नहीं करती। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई में मैंने केमिस्ट्री रिविज़न करी, बट उससे पहले ना मेरे को केमिस्ट्री अपने सब्सक्रिप्शन से पढ़नी थी, तो वो मैं डाउनलोड कर रही थी। बट फाइनली मैं PW की ऐप इंस्टॉल कर लेती हूँ, और इंस्टॉल करने के बाद वहाँ से मैं ओपन करती हूँ, और देन आप मोबाइल नंबर डालो, एंड उसके बाद आपको OTP के बाद लॉगिन हो जाता है। आफ्टर लॉगिन मैं फटाफट लेक्चर ऑन करके पढ़ने बैठ गई। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं केमिस्ट्री रिवीजन कर रही थी, तो मैंने पिछले लेक्चर का रिवीजन करने के बाद मैंने नेक्स्ट लेक्चर पर जंप किया, एंड उसके बाद मैंने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। तो लेट्स स्टडी विथ मी फिजिकल केमिस्ट्री गाइज।
45 मिनट्स के लेक्चर करने के बाद एक मैंने छोटा सा ब्रेक लिया. एक्चुअली मैं ब्रेक 25 मिनट पे लेती हूँ. पोमोडोरो जो टेक्निक होती है मैं उसको फॉलो करती हूँ, बट इस बार मैंने ज़्यादा किया बिकॉज वो बोलती है एक फ्लो बन जाती है ना, तो उसके ब्रेक में मैं पानी के लिए गई बिकॉज मेरी बॉटल की पानी ख़त्म हो गई थी. देन ऑब्वियसली स्टे हाइड्रेटेड गाइस बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद बैक टू स्टडी बिकॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो उससे पहले मेरे फ्रेंड ने मेरे लिए ओट्स बनाया था, तो मैंने सोचा कि खाते खाते पढ़ते हैं. तो क्या खाते खाते पढ़ना स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फॉर स्टडी. After eating my oats, I'm back with study. जैसा कि मैंने बताया था मैंने सोचा खाते खाते पढ़ते, बट मैंने एक्चुअली एक छोटा सा स्टडी स्थेटिक ब्लॉग देखने में लग गई थी, सो दैट्स वाई कि मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड आउट नहीं किया. एंड उसके बाद मैंने वापस से आके थोड़े बहुत बुक्स से अपने नोट्स बनाए, जो कि बहुत ज़रूरी है बिकॉज बोर्ड में ना एनसीईआरटी रीडिंग बहुत ज़रूरी है. आप सब कुछ पढ़ लो, बट आप एक बार बुक से देख के नोट्स बना लो या बुक में अंडरलाइन कर लो, इट्स योर चॉइस. तो मैंने एक्चुअली नोट्स बना लिया बिकॉज सारे नोट्स एक साथ पढ़ते हो तो फिर बुक का पढ़ना मुझे याद नहीं रहता, तो दैट्स वाई कि मैंने नोट्स ही बना लिया. बट अब मैं ये चीज़ फॉलो नहीं करती, अब मैं बुक्स में अंडरलाइन करती हूँ एंड देन वहीं पर छोटे छोटे नोट्स करके लिख देती हूँ. एनीवेज आते अपने स्टडी पे. तो उसके बाद मैंने यूट्यूब से थोड़ी बोर्ड स्टडी की बिकॉज जैसे कि आपको नहीं पता होगा मैं आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ और विथ बोर्ड भी लेके चल रही, बट इसीलिए कि मैंने पहले आईटी जेई की लेक्चर थी कंप्लीट करी सब्सक्रिप्शन से एंड देन आई एम बैक विथ यूट्यूब. और ये मैं मैग्नेट ब्रेन के चैनल से कंप्लीट करी. आई नो 10th के सारे बच्चे ने मैग्नेट ब्रेन को ज्वाइन किया था. एंड आफ्टर दैट मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने लिए आलमोंड्स डाले पानी में बिकॉज मम्मा रोज़ फ़ोन करके पूछती है कि तुमने खाया नहीं खाया. एंड देन रात के डिनर के बाद मैंने एक ग्लास दूध पिया बिकॉज मेरी हेल्थ आप सबको दिख ही रही होगी कि मैं कितनी ज़्यादा पतली. एक्चुअली स्टार्टिंग से हॉस्टल में रहने की वजह से मैंने कभी अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, और ये भी मैं ना बहुत कम रूटीन करती हूँ, बहुत कम प्रोडक्टिव हो पाती हूँ, तभी ये मैं प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करती हूँ लाइक ऑलमोंड्स डालना एंड दूध शेक वगैरह वॉट एवर. सो गाइज आपको चाहिए कि मैं ऐसे और ब्लॉग्स बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो. सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय.